सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोले की। जय शंकर की, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जय की, बोली। जय भोलेगी। हाँ, आज मैं महाराष्ट्र में आया हूँ। महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट जालना के डिस्ट्रिक्ट कंडारे गांव में। कंडारे गांव में आया हूँ। ये जो भोले देख रहे हैं आप, उनको आप 2019 में, कांवड़िया अस्पताल 2020 में, शायद 2020 में आपने हमारी जो चार धाम की यात्रा थी उसमें देखा होगा। तो आज इन्हीं के कहने पे मैं इनके गांव का और इनके खेत का निरीक्षण देखने के लिए आया हूँ। इनकी खेती बाड़ी कैसे करते हैं ये, क्योंकि मैं आज से पहले कभी गांव गया नहीं था, तो इसलिए मैं गांव आया हुआ हूँ। और ये है हमारे हरिराम काकड़े। हाँ, जय भोले की। ये कारवारी है काकड़े, जय भोले कारवेली की। काकड़े, ये यहीं के हैं दोनों। और दो भोले सुबह मुझसे मिल के चले गए थे। और आइए, हाँ, और हम सब ये हरिराम जी आपके खेत के बारे में हमें बताएंगे। थोड़ा बताइए हरिराम जी। ये अपना महाराष्ट्र का जो खेती है वो यहाँ पे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे कपास, सोयाबीन, तुअर, उसमें मूंग भी आता है, गन्ना भी रहता है, बहुत सारे क्वालिटी के फसल रहती है। तो आज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि सोयाबीन, कपास और गन्ने की खेती का निरीक्षण करेंगे। इनको दिखाएंगे हमारे खेत में जो है धान, तो उसका इनको थोड़ा सा जो जानकारी लगती है वो उसमें वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं अब खेत की तरफ, इनको जो फसल है वो दिखाएंगे। इनका भी खेत है, ये सारे यहाँ पे खेती का काम हो, खा भी इनका खेती का है, और कोई बेरोजगार इनके पास है नहीं। तो ये भी अपना खेत के बारे में बताएंगे, अपनी कितनी ज़मीन और क्या उगा रखा है इन्होंने। थोड़ा सा ऐसा पकड़ो। मैं कारभारी काकड़े, महाराष्ट्र जालना। हमारे पास गन्ने की खेती है और इधर सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंग, यदि फसल ज़्यादा रहती है। कई ये फल के भी पेड़ है, मौसम्बी और ये सीताफल वगैरह है। किनके किनके पास सब्जी आ जैसे सब्जियाँ, सब्जी भी सब्जियाँ भी आती बहुत है, सब्जियाँ उगाते हैं अपने सब्जी पास है। बस वो खाने के तो लिए, घर घर के लिए लगने वाले के लिए। बहुत आइटम रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर खेती में सोयाबीन, कपास और गन्ना रहेगा, रायता। ये प्रमुख है तीन पिक। तो चलिए अब इनके खेत की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी इसको बंद करो। अभी हम बाइक से बताओ उसमें। अभी हम हमारे गांव से 2 किलोमीटर आगे बाइक से आ गए हैं, ये हमारे खेत के पास में। अब रोड पे ये हमारी बाइक साइड में खड़ी कर दी है हमने, और चलते हैं रोड के अंदर। ये दोनों बाइक लगी हुई हैं, और अब जरा खेत का देखते हैं, खेत में चलते हैं, क्या उगा रखा है, क्या क्या बोया है इन्होंने। और थोड़ी देर पहले ही बारिश खुल चुकी है, तो रास्ते में थोड़ा सा कीचड़ भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इनके खेत की चल तरफ। परान। देख रहे हैं चारों तरफ खेत, हरियाली हरियाली हो रही है इनकी, जहाँ भी देखो वहाँ पे सारे खेतों में कुछ ना कुछ उग रहा है। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हो ये है सीताफल का पेड़। अच्छा, ये जो मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको जरा। करो, इसको सीताफल का पेड़ बोलते हैं इसको। अच्छा, ये सीताफल का पेड़ है। हाँ, और ये है सोयाबीन। ये देखो इधर थोड़ा सा देखो, ये है अच्छा उसको, अच्छा ये ये जो लग लगी रही है है, फल्ली उसको। ये फली जो लग रही है वो हाँ, सोयाबीन है। ये है सोयाबीन की फल्ली। ओह, ये पहली बार देखा मैंने भी सोयाबीन। इसमें क्या दाना निकलता है, क्या ये निकलता ऐसे है? दाना निकलता है इसका, हाँ जी, ये अच्छा दाना है हाँ, इसका इसको खा सोयाबीन। सकते हैं, 4 या 5 अभी इसको दाने खाने को निकले जमता इसके। ही है। इधर करो मेरी तरफ ऐसा। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा एकदम टेस्टेड लगता है ये भी। इसको आप उबाल के भी खा सकते हो। तो सोयाबीन को तो उबाल के ही पकाते हैं ज़्यादातर। नहीं, वो तो नहीं, फिर बोले तो वो ये, तो उसका अलग आता है, ये तो ओरिजिनल दाना है ना ये। हाँ, और ऐसा ये कम, 1 बीघा है, 1 बीघा में कम से कम 8 से 10 क्विंटल का एवरेज आता है इसका। अच्छा, जैसे 1 बीघा में आपका ये सोयाबीन लगा हुआ है। नहीं, ये तो ज़्यादा है जमीन। अच्छा,
लेकिन इसका एवरेज की बात कर रहे हैं तो अच्छा। एक बीघा में 8 से 10 क्विंटल आता है, 8 से 10 क्विंटल सोयाबीन निकलता है आपका। चलो देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। हरिराम काकड़े जी, ये जो पेड़ दिख रहा है ना इसको तिल बोलते हैं, तिल। अच्छा, वो जो आता है ना एक, ये तिल का पेड़ है। माइक ले लो आप। ये तिल का पेड़ है, बस कुछ कुछ जगह पे डाल देते हैं अपने घर के लिए जो लगते का उसके लिए, और कुछ कुछ जगह पे तो इसका पूरा खेती ही लगता है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता है ज़्यादा। ये बस अपने घर में, घर के लिए जो लगेगा ना, तो पूरे जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 पेड़ लगेंगे बस। और ये है कपासी। हाँ, अभी ये छोटी है, अभी जो ये बढ़ते बढ़ते अपने सर के इतने 6-7 फीट तक ऊपर हो जाएगी वो। ये अभी 1 महीने की उसकी अभी मौसम बचा है, उसके बाद है ना उसमें पूरे वो ये लग जाएंगे। इसमें नहीं है अभी बड़े दिखने के लिए। हाँ, उसमें है, ये है। अच्छा। इसमें इसमें से फिर वो पक जाने के बाद कपास निकल जाएगी। अच्छा अच्छा हाँ। तो ये कितनी कपास निकल जाती है आपकी? इसमें 1 बीघा में कम से कम 4 क्विंटल 5 क्विंटल के आसपास निकल जाती है। एक बीघा में कितने दिन में तैयार हो जाती है आपकी ये फसल? इसको तो बहुत टाइम लगता है ना, ये जब से आप इसमें खेत में बोओगे उसके बाद में कम से कम 4 या 4.5 महीने के बाद ये अपने घर पे आ जाएगी। तो उसे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये कम से कम 8 महीने तक खेत में रहेगा पेड़। 8 महीने? हाँ, ये दोनों सीजन में एक ही पेड़ चलेगा। जैसे आपने जून में बोया ना, तो ये लास्ट मार्च तक चलेगा। हाँ, और उसके बाद अपन चलेंगे गन्ने के खेती की तरफ। हरिराम जी क्या बता रहे हैं आप अपने खेत के बारे में? ये है गन्ने का खेत। अच्छा। हाँ, ये 3 बीघा है। अच्छा। और इसमें अच्छी फसल आ गई तो कम से कम 3 बीघा में 80 या 85 क्विंटल टन तक हो जाएगा। अच्छा, टन। हाँ, यानी कि 180 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल 10 क्विंटल 80 टन मुझे कितना, 800 क्विंटल 800 क्विंटल निकल जाएगा, 80 टन बोले तो। अच्छा अच्छा इसमें, और ये जाएगा अपने जो ये आता ना शुगर मिल, उसमें जाएगा। हाँ, शुगर मिल, शुगर फैक्ट्री में जाएगा ये। तो ये कब तक तैयार हो जाएगा आपका? ये तो पूरे साल भर का चलता है। साल भर? हाँ, एक बार ये जमीन में डालने के बाद कम से कम 12 महीने के पहले तो कटेगा ही नहीं, उसके बाद कटेगा। तो ये अभी आपने कब डाला है? अभी तो ये डाला है पिछले अक्टूबर में, पिछले अक्टूबर के बाद जाएगा ये। तो अभी अक्टूबर के बाद कटेगा? अक्टूबर के बाद कटेगा ये, फिर उसके बाद बढ़ता है उसके बाद, और यही रहेगा, यही रहेगा उसका ही जो आएगा ना उसको और एक बार रखेंगे तो 2 साल चलेगा ये। अच्छा। हाँ, ये ऐसी गन्ने की खेती है। तो मैं आपको एक गन्ना ला के दिखाता हूँ, अभी तो बना ही नहीं वो गन्ना। अच्छा है, देखिए खाने के लिए, हमारे को खिलाने के लिए गन्ना के लिए खेत में घुस गए हैं शायद, अभी अंदर चले गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। अभी गन्ना लेके आएंगे, जब दिखाई देंगे हमें, ये तोड़ने के लिए गए हैं गन्ना, वो तोड़े, आवाज़ आई होगी आपको भी गन्ने टूटने की। ये देखो, ये तोड़ लाया गन्ना, वो गन्ना भी बड़ा मोटा है, मोटा साइज गन्ना मैंने है। आधा ही काट के लाया है। अच्छा अच्छा आधा छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा तो ये जो बाकी जो है ये चारे के काम आ जाता होगा आपको, पशुओं के, जानवर के लिए काम, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए। अच्छा अच्छा अभी ये पक के पूरा बन चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, रस आ रहा है इसमें निकल के, ये खाने के योग्य है। हाँ हाँ, ठीक है, देखेंगे अभी इसको। और गन्ने के अलावा और कुछ आपके यहाँ? बस हो गया आपका? अभी बहुत है, लेकिन अभी कीचड़ की वजह से कीचड़ की वजह आगे नहीं जा पा रहे। खेत में भी बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हुई है, कल भी बड़ी तगड़ी बारिश हुई है, इसलिए कीचड़ है, कीचड़ की वजह से आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रास्ता कीचड़े फिसलना है, और इसलिए। ओके।
हो गया स्टार्ट, सही है। कैसा लग रहा है गन्ने का टेस्ट? मीठा है। हाँ वो तो मिठास ही रहेगा ना, उससे शक्कर बनती है। दातुन भी हो जाएगा दातुन। काम करेगा गन्ना। ये गन्ना खाने से जो अपनी मसल्स है ना वो मजबूत हो जाती है। वो तो कह रहा हूँ मैंने, मसूड़े भी मजबूत हो जाएंगे। हाँ मसूड़े मजबूत हो जाएंगे इसके। अभी आप देख सकते हो इधर बादल चालू हो चुका है, उधर बादल में बारिश चालू हो चुकी है उस साइड में, और इस साइड में नहीं है, इस साइड में थोड़ा सा ऊपर है। ये बारिश दो तीन दिन से लगातार यहाँ पे हो रही है, तो इसलिए हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते क्योंकि पैर पे बहुत कीचड़ लगता है। सामने वाला घर बताना। यहाँ सब तरफ आप देखोगे, सब तरफ कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, और ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो कपास, गन्ना और सोयाबीन सबसे प्रमुख पीक है यहाँ के, हमारे यहाँ के। और हमारे यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है इसलिए गन्ना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम हमारे यहाँ पे जो पूरी ज़मीन है उसमें से बस 10-15% ही गन्ना रहता है। राम जी अपना घर दिखाने के लिए हमें ले जा रहे हैं, पहले भी इनके घर पे जाएंगे। पानी भरा हुआ है। इनका घर भी बता दिया, यहाँ पे खेती का काम करने के लिए आते हैं फैमिली। हरिराम जी का यूट्यूब चैनल है एक, तो हरिराम जी बताएंगे कौन सा चैनल है सर आपका? वो यात्रा मार्ग हरिराम काकड़े। तो इनका चैनल को भी आप देखिए, ये अतिथि परिक्रमा है जो नर्मदा महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी है उनकी परिक्रमाएं लगाते रहते हैं। ये यात्राओं की जानकारी, यात्राओं की जानकारियां भी देते हैं, अगर आप उनको पूछना चाहे तो ये आपको रूट भी बता सकते हैं, रूट भी भेज सकते हैं आपको यात्रा का। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हो या परिक्रमण करना चाहते हो कहीं भी, सभी यात्राओं की भारत की सभी यात्राओं का ये आपको जानकारी और मैप भी दे सकते हैं, जिसमें आपको काफी मदद मिल सकती है। अगर आपको विचार हो यात्रा का करने का तो आप हरिराम काकड़े का मैं नंबर डालूंगा और उनसे आप सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हरिराम, पहले इन भोले जी के ये अपना घर दिखाना चाह रहे हैं, अपना ये खेती है घर तो सामने है, खेती दिखाना चाह रहे हैं तो गांव में। अच्छा, खेत का घर है, खेत का वाला कर रहा है इनका। ये यहाँ पे गोठा बोलते हैं इसको, यहाँ पे बैल और जो खेती के लिए उपयोगी खाद भी रहता है ना वो रखने के लिए घर बनाया। अच्छा अच्छा, चलो आओ। ये जानवरों के लिए, गाय बैल जानवरों के लिए पानी के लिए होद बनाया हुआ है इन्होंने, ताकि कोई जानवर प्यासा ना रहे और स्वस्थ रहे। साफ सुथरा पानी है, पानी को भी बदलते रहते हैं ये, ताकि इसमें किसी तरह के कीटाणु ना हो। ये इनके जानवर है, गाय है, ये गाय है इनकी जानवर, ये
इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, और ये दो गोए, और ये नंदी जी है जो आपका खेती के काम करते हैं। ये हमें देख रहे हैं, ये नया आदमी कौन आ गया हमारी वीडियो बनाने के लिए, बैठे हुआ भी देख रहे हैं हमें, और बादल भी गरज रहे हैं, और फूल के पेड़ है। जसवंती बोलते हैं। अच्छा, इसको जसवंती, लाजवंती बोलते हैं इसको, दासवंती। ये क्या काम आता है? देव को चढ़ाने के लिए। अच्छा, देव को चढ़ा, भगवानों की पूजा के लिए। अच्छा अच्छा, भगवान। नारियल का पेड़। हाँ, ये तो नारियल का आपका दिख रहा है, जाम जो वाला जाम रख, ये जाम लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये आपका स्टोरेज होगा? हाँ। ये स्टोरेज रख बना रखा आपने? ये तो कुआ है, कुआ है, कुआ, कुआ टाइप स्टोरेज नहीं है, ये तो कुआ है, इसके नीचे से तो पानी 12 महीने चालू रहेगा। अच्छा, इतना गहरा है? बहुत गहरा है, आराम से। ये कम से कम अभी 60 या 70 फीट होगा। इसमें तो पानी 70 फीट नीचे तक है ये। अच्छा, 70-50 इसकी गहराई बता रहे हैं? गहराई 90 फीट है, और 15-20 फुट के करीब इसमें पानी अभी दिखाई दे रहा है ऊपर से। तो पानी के नीचे 70 फीट है ये, और ऊपर 20 फीट है, ऐसा टोटल 90 फीट है पूरा। पानी की कमी नहीं होगी इनको? नहीं, लास्ट में तो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा है। यहाँ नीचे पूरा गन्ना ही गन्ना है ना इनका। ये सोयाबीन का खेत है, उसके नीचे पूरा गन्ना है। ठीक ठीक, यहाँ पे मोटर लग गए। मोटर से आपके खेच के पानी ले लेते होंगे ना? हाँ, जोड़े वाली है। हाँ, ये गांव तरफ पानी जाता घर में। अच्छा, घर के लिए भी आपने कर रखा है यहीं से, और खेत के लिए भी? हाँ, घर में इस्तेमाल करने के लिए। ये नींबू, ये देखिए, ये नींबू, नींबू दिखा रहे हैं अभी, कच्चा है नींबू? हाँ, अभी पका नहीं है, पका नहीं है, पका होने पे फिर पीला हो जाएगा, अभी ग्रीन है, छोटा पेड़ है ये। ये कनेर का पेड़ है, इसका फूल अलग रहता है, इसका फूल अलग रहता है, कनेर का है। अच्छा, ये स्टोरेज बना रखा आपने, क्या बना रखा है? ये स्टोरेज है ना, खाद बीज सब रखना पड़ता है। हाँ, स्टोरेज, जो भी खेती का सामान, खेती का जो सामान आएगा वो इसको, इसमें हल वो सब अंदर डाल के रखते हैं। हाँ, ताकि कोई है ना, ये भी अंदर डाल देंगे बाद में, लॉक कर देते हैं ताकि कोई दूसरा कोई निकाल के ना ले जाए। हैं, यही वजह। क्या गांव है, गांव में तो चोरी वोरी होती नहीं है इनकी, थोड़ा बहुत अब कोई फिर भी जाता। अपनी सेफ्टी के लिए, ये रात को कोई अगर यहाँ पे आके सोएगा तो उसके लिए भी है ना, बरसात में। हाँ, बरसात के लिए भी इनके है, सब रहता है। ये बैल, ये बेल है, और ये देख रहे हैं बिंडी उगी हुई थी, वो बेल इसको बोलते हैं। हाँ, ये रही पेड़ है, बिंडी दिखाई दे रही होगी आपको, एक उगी हुई। और ये बेल है, ये बेल किसकी है? कद्दू 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 जो, हाँ हाँ, जिसका पेठा 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 बनता है, जिसका कद्दू 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 उसी को बोलते हैं जिसका पेठा बनता है। ये हरिराम काकड़े जी आप अपने घर पे ले आए हमें, और ये इनका घर देखिए, बिल्कुल गांव का, ये इनके जानवर है, ये घर है इधर, और ये इनका घर है। अरे उठत ना। ये बाहर जो जमीन है, इनमें इनका बता रहे हैं कि ये
सब्जियां उगाएंगे, ये बिल्कुल सब्जियां उगाएंगे। अब अंदर की तो बन नहीं पाएगी, अंधेरा है, लाइट गई हुई है शायद। हाँ तो वहां से ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका मकान है। ये हरिराम जी काकड़े जी ने अपने घर के अंदर गणेश जी को स्थापित किया हुआ है, आज उसका विसर्जित करेंगे ये, और उसकी आखिरी तैयारी चल रही है, पूजा आरती करके। और ये काकड़े जी के शुरुआत कर रहे हैं, पोते जी आरती कर रहे हैं, ये तैयार हैं। सुख करता दुख हरता वाता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा देवाची सर्वांगी सुंदर उतिशेंदोराची कंठे धरके माळ कंठे शोभे माळ मुक्ता पळाची जय देव जय मंगल मूर्ति व श्री मंगल मूर्ति नरसे मात्रे मान स्वामी मात्रे मान रामाना पुर्ति जय देव रत्न कच धारा तुझ गौरे कुमारा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा ये दलित मुगोर शोभा कवरा सुनंते नोपोरे चरने गा दरिया जय देव जय मंगल मूर्ति व श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान स्वामी मात्रे मान कामना पुर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरल सुंदर वक्र तुंड त्रिनयना दास रामता वटपाय सदना संकष्टि भावा विनिर्वाण रक्षा ऋषिवर भगवान जय देव जय मंगल मूर्ति व श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मान स्वामी मात्र मान कामना मूर्ति जय देव गाने लोटांगन वंदे चरण लोयन पाए रूप तुझे प्रेम आविन आनंद पूज भाव वाणी मले नमः गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरिया। अजून ती पासर घे पाठात करा ते तुम्ही एक वाटी ठेव नाही ती पाठात घेणार मोठा तिसा खाचा नाही रामजी देऊ आरती समाप्त हो, प्रसाद दिया जा रहा है। मन गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति यार